लॉरेंस बिश्नोई गैंग का डायरेक्ट फोन आ गया पप्पू यादव पर। पप्पू यादव भी रह गए हक्का बक्का और सीधे तौर पर। देख रहे होंगे कि पप्पू यादव हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं, खुद को पीए बता रहे हैं और बात कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ वहां पर बातें हो रही है। अभी अभी पप्पू यादव ने किया है दावा कि लॉरेंस बिश्नोई का फोन आया। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। जी जी पप्पू यादव जी जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं वो ट्वीट, जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई चीजें ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए पप्पू ये कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात कर रहे होगी, ऐसा नहीं होगी भैया। एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं। और उससे मतलब मैं पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरे हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात उसके साथ हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल, इनमें पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख भी लेंगे हम। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। तो जी हाँ, पप्पू यादव इसी मोबाइल से अभी बात कर रहे थे, खुद को पीए बताकर यह कह रहे थे कि यह राजनीतिक ट्वीट था, ऐसा कुछ नहीं है। मगर साथ ही जो सामने से फोन आया उसमें यह साफ कहा गया जा रहा है कि आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल देते हैं। यानी कि सीधे तौर पर पप्पू यादव जो खुद भी बाहुबली नेता रहे हैं, वह साफ कहते हुए नजर आए जी अब ऐसा नहीं होगा। और भी बहुत कुछ बातें जिसमें इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ये फोन कॉल बताई गई है, उनकी पार्टी उनके नेता और पप्पू यादव के द्वारा जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ट्वीट हुआ है, उसी वक्त से पप्पू यादव फिर उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे। मगर पहले फेसबुक और ट्विटर से धमकी आई, फिर व्हाट्सएप पर ऑडियो में धमकी आई, अब कॉल लगाकर अब बात हो रही है। जो बातें हम अभी सुना रहे थे, बाकी हम लगातार खबरें ला रहे हैं, सुना रहे हैं। आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।